नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे आज नीट को लेकर। संसद में विपक्ष ने हंगामे को लेकर हरिद्वार सांसद ने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा से पहले से ही नीट पर बात करना चाहता है, जो कि परंपरा के खिलाफ है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा कि भाई देखिए, आपको चर्चा का मौका मिलेगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा। नेता प्रति अड़े रहे कि मुझे एक मिनट बोलना है, बोले नहीं, एक मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा, लेकिन राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उस पर धन्यवाद होना है, उस पर चर्चा होनी है, उसको हो जाने दीजिए। लेकिन विपक्ष बिल्कुल इस पर सहमत नहीं हुआ है, बल्कि अपना जो नकारात्मक रुख है उस पर जिस तरह से अड़ियल रुख अपनाया है, मैं समझता हूँ कि तमाम उस जनता का भी अपमान है जिन्होंने उनको चुनकर भेजा है, और सदन की कार्रवाई न होने देना, तो मुझे लगता है कि इससे नुकसान ज़्यादा विपक्ष का ही होता है, पब्लिक का नुकसान होता है। उत्तराखंड में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पांचों सीटों पर जीत दर्ज की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिलने की सबसे बड़ी वजह टिकट बंटवारा भी माना जा रहा था। इसी को लेकर करण माहरा के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से भले ही वोटों के लिहाज से हार का अंतर कम हो जाता, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार निश्चित होती। हरीश रावत ने करण माहरा की बात को बिल्कुल सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि वोटिंग पैटर्न का अध्ययन किया जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे कांग्रेस ने पर्वतीय लोगों का विश्वास खो दिया है। कहा उन्होंने, पर नतीजा इतना होता है कि जहां हम 1.5-2 लाख से 2.5 लाख से हार रहे हैं, 50-1 हज़ार कम से हारते, यही नतीजा होगा क्या? क्योंकि इन इन वोटिंग पैटर्न का आप अध्ययन करिए, तो आप उस पैटर्न को अध्ययन करने के बाद आपको ये लगेगा कि कोई कोई कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हमने पर्वती लोगों का विश्वास खोया है, पहाड़ों के का विश्वास हम पर इस चुनाव में नहीं जमा है। उस विश्वास को कैसे हम रिगेन करें, हम फिर उसके अंदर घुसें, उस पर हमको मनन कर। और संवाददाता हिमांशु गोड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी भी मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरह से हरीश रावत कह रहे हैं कि हार तो निश्चित थी, भले ही वो टिकटों के बंटवारे की बात को लेकर के ये बयान दे रहे हूँ, तो क्या वजह इसके पीछे की मानी जा रही है? जी बिल्कुल विशाल, ये लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में इस प्रकार के संबंध है, और उसके बाद भाजपा के पाले में लगातार पिछली बार जो है पांचों ही लोकसभा उत्तराखंड से गई है, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय कांग्रेस के लिए रहा है। कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही थी कि हालांकि अगर पार्टी जो टिकट बंटवारे में हेर फेर हुआ था, अगर वो ना होता, पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व या जो बड़े नेता थे उनको टिकट मिलता, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट मार्जिन था वो बढ़ता और कांग्रेस का वोट से चुनाव हारती। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है बड़े नेता खुलकर इस बयान को कह रहे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, या स्वयं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हो, वो इस बात को कह रहे हैं कि लगातार हमने जो है वो मतदाताओं का विश्वास को है, पहाड़ी क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनका विश्वास कायम करने में हम असफल रहे, और उनके ऊपर किस प्रकार से भरोसा दिलाया जाए कि कांग्रेस उनको विकास की राह पर अग्रसर करेगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो विश्वास हमने खोया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहने वाली बात है कि कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है, और कहीं ना कहीं कारणों को जो है लगातार स्पष्ट यहाँ पर कर रही है, बयानबाजी लगातार चल रही है कि किस प्रकार से जो है वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए, हार के कारणों पर जो है अध्ययन किया जाए। हाँ, लेकिन वजह इसके पीछे की क्या है कि जो हरीश रावत ये कह रहे हैं कि पहाड़ के लोगों का विश्वास कांग्रेस ने खो दिया है? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि पहाड़ में जिस प्रकार से कांग्रेस, पहले हमने देखा है कि कांग्रेस जिस प्रकार से हरीश रावत की सरकार के टाइम पर, मैं बात करूं तो गैरसैंण को एक बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस चलती थी हमेशा, पहाड़ की बात, गैरसैंण पहाड़ का विकास गैरसैंण के साथ का जो नारा कांग्रेस देती थी कि गैरसैंण में अधिकतर बैठे, गैरसैंण से पहाड़ की व्यवस्था संचालित हो। हरीश रावत को हमने खुद देखा है कि जब वो मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहते थे उसके बाद किस प्रकार से हरीश रावत लगातार पहाड़ों का दौरा कर देते, लेकिन कांग्रेस के अन्य नेताओं में इसकी जो है सुस्ती दिखी है, पहाड़ों के प्रति जो सुस्ती दिखी है, नेता समय समय पर जो है पहाड़ों का रुख नहीं कर पाते हैं। हालांकि गणेश गोदयाल एक बेहतरीन
उदाहरण बनकर सामने आए हैं, लेकिन अन्य नेताओं ने जो है कहीं ना कहीं पहाड़ की जनता का विश्वास गया है। इसीलिए हमने देखा था कि पौड़ी लोकसभा की मैं बात करूं तो यहां पर 2022 विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे थे उसमें से 14 में से 13 विधानसभा जो बीजेपी के खाते में गए। ऐसे तमाम उदाहरण जो है वो है, कहीं ना कहीं जो नेताओं का जो जनसंपर्क सीधा जनता से रहा है वो नहीं हो पाया, ये एक बड़ा कारण यहाँ पर हो सकता। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार को चौतरफा घेरा है। करण महारा ने कहा है कि बीजेपी के कार्यकाल में उत्तराखंड क्राइम में नंबर वन पहाड़ी राज्य बन गया है। साथ ही करण महारा ने उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी के प्रत्याशियों पर सियासी हमला बोला है। यह हमेशा हुआ है, चाहे अंकिता का केस आप देख लीजिए, जिन्होंने डोजर चलवाया, डोजर के जो ऑपरेटर उसने भी अब तो हाईकोर्ट में बयान दे दिया कि एसडीएम, तत्कालिक एसडीएम रेनू बिस्ट ने मुझे निर्देश दिया। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपना जो ट्विटर हैंडल से डाला था कि हमने अपराधियों को सजा दे दी, डोजर चला दिया, इन सब के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए तो आज तक नहीं हुए। दूसरा जो बहादुराबाद की घटना है 26 तारीख की, उसमें 14 साल की नाबालिग का बलात्कार करके हत्या कर दी गई, और कौन था इनका? आदित्य सैनी, जो इनके ओबीसी आयोग का सदस्य है और इसी ओबीसी आयोग का उपाध्यक्ष था अंकित आर्या, जो पुलकित आर्या अंकिता भंडारी मर्डर केस में पकड़ा गया है, उसका बड़ा भाई। तो क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में? प्रशासन, पुलिस और सरकार लगातार अपने जो निकटती लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे। चंपावत का देख लीजिए, नाबालिग का बलात्कार होता है लेकिन रावत जो है जमानत में बाहर आ जाता है। अंकिता का केस होता है, डोजर चला के आग लगा के और दो दो बार आग लगा के उसके सबूत मिटा दिए जाते हैं। अपराधियों का वीआईपी तक पहुंचना सरकार का, पुलिस का नाकाम हो गया। उसी तरीके से उत्तरकाशी की चार बहनें जो SC ST की थी, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। उसके अलावा ममता जोशी बहुगुणा कांड जो श्रीनगर का है, उसमें उस लड़की के भाई ने सीधे सीधे सरकार के मंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश, आज तक ममता जोशी बहुगुणा का पता नहीं वो कहाँ है। तो इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब से आई है और इन खासकर इन 6 वर्षों में जब से यहाँ इनकी सरकार है, महिला अपराध में 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। और ये हम नहीं करें, NCRB की रिपोर्ट कहती है, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस बात को कहता है। और ये शर्मनाक है कि देवभूमि जो है आज महिला अपराध में पहले स्थान पर है। देखिए, हम जड़ों में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम दोनों सीटों को भारी बहुमत से जीतेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी लोगों को टिकट दिया है, एक व्यक्ति की तो ऐसा है जो मंगलौर से लड़ रहा है, वो उत्तराखंड का है ही नहीं, वो लोक दल का विधायक था हरियाणा में और हरियाणा में उसने ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट ने नहीं होने दिया। गौतम जी पे कुछ उनके एहसान रहेंगे, गौतम जी अपने कंधे में बैठा के उनको उत्तराखंड लाए और ज्वाइन ही नहीं कराया बीजेपी, उनको यहाँ से टिकट भी दे दिया। दूसरा राजेंद्र भंडारी जो कांग्रेस का भगोड़ा है और अपनी पत्नी के ऊपर लगे हुए अपराधों से बचने के लिए या किसी अन्य कारण से शायद वो बीजेपी में गया होगा, वहीं कांग्रेस ने अपने दोनों कैडर के लोगों को, चाहे वो बठूला है लखपत जी हैं, चाहे वो यहाँ से काजी निजामुद्दीन है, हमने अपने कैडर के लोगों को वोट दिया है और टिकट दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो भारी अंतर से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेसवार्ता करते हुए राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिला अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और बीजेपी के नेता पर किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या में शामिल होना बेहद गंभीर है और चिंताजनक भी है, जिसको लेकर अब बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये कांग्रेस की बौखलाहट है जो इस तरह के बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है, साथ ही अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी एकदम बौखला चुकी है इस लोकसभा चुनाव की हार के बाद, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान अनर्गल प्रलाप है। मुझे लगता है कि वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इन सब चीजों को पचा नहीं पा रही है। वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, वो केवल आरोप के लिए आरोप लगा रही है। उत्तराखंड राज्य के अंदर कानून व्यवस्था एकदम नियंत्रण में है, जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत
पुलिस गिरफ्तार कर रही है। उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 2022 में बीजेपी मंगलोर और बद्रीनाथ में दोनों ही सीटों पर इलेक्शन हार गई थी। मंगलोर सीट पर तो आज तक बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई है। ऐसे में बीजेपी नई रणनीतियों पर काम कर रही है, जिसको लेकर विधायक विनोद चमोली से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है। उत्तराखंड में जल्दी उपचुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर भी कस ली है और विधायक विनोद चमोली भाजपा से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उपचुनाव होने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां हैं भाजपा की? देखिए, चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है, हर समय चुनाव की तैयारियों में रहती है। माहौल अच्छा है और मैं समझता हूँ कि इस बार हमारे लिए जो उपलब्धि होगी वो मंगलौर की सीट होगी, क्योंकि बद्रीनाथ तो हम जीतेंगे ही, वहाँ तो समीकरण है ही हमारे पक्ष में, मंगलौर भी हम जीतने जा रहे हैं, ये हमारे लिए उपलब्धि हो सकती है। लेकिन जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि आज तक आप मंगलौर सीट नहीं जीत पाए, लेकिन और अब क्योंकि 2022 में दोनों ही विधानसभा आप लोग हार गए थे, तो कुछ अलग से आप लोग रणनीति बना रहे हैं कि इस बार दोनों सीटें फतेह की जाए? देखिए, निश्चित तौर से हम लोग वहाँ पर बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और आपने देखा भी होगा कि कांग्रेस लगातार बीजेपी को वहाँ टारगेट कर रही है। तो कोई भी विपक्षी प्रमुख विपक्षी पार्टी अगर आपको टारगेट करती है, इसका मतलब आप मजबूत स्थिति में हैं, वहाँ पर लड़ रहे हैं। और कांग्रेस और बसपा अगर पूरी दमदारी से वहाँ लड़ती है तो एक त्रिकोणीय संघर्ष वहाँ पर बनता है, और त्रिकोणीय संघर्ष अगर बनता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी ऊपर आती है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि वो सीट हम जीत सकते हैं। सर, लगातार कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि आपके जो एक आपने प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में मंगलौर सीट से, करतार सिंह भड़ाना, वो बाहर ही बता रहे हैं उनको, वो कह रहे हैं कि वो राज्य के बाहर के निवासी हैं। ऐसे में जो दूसरे हैं वो कह रहे हैं कि आपने उन्हीं के विधायक को तोड़ करके उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी है प्रत्याशी बना दिया। देखिए, ये आरोप इन्होंने पौड़ी लोकसभा सीट पर भी लगाया था और बहुत जोर शोर से प्रचार किया था, लेकिन मुँह की खानी पड़ी। तो आरोप कितने भी लगा लें, जनता सब समझती है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कांग्रेस को निश्चित तौर पर मात मिलेगी। अच्छा सर, उत्तराखंड में हम आजकल ये भी देख रहे हैं कि भू कानून की एक बार मांग फिर से उठने लगी है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा पहले भी कहना है कि पहाड़ों की संस्कृति को, जल जंगल जमीन को अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं विचार तो करना पड़ेगा। मैं शुरू से इस बात का पक्ष धर रहा हूँ और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने और माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने इसके पक्ष में बात की है और एक समिति भी हमने गठित की है। थोड़ा हमको इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि समिति की रिपोर्ट आ जाए, उसके आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुछ व्यवस्था बनाई जाएगी और वहाँ पर जो जल जंगल जमीन के जो हकूक है उनको बचाने की बात होगी, मूल निवास पर भी काम करने की आवश्यकता, उस पर भी काम होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये कर पाएगी। सर, एक विषय आजकल इन दिनों कैबिनेट का विस्तार भी होना है और ये कहा भी जा रहा है, कब तक माने कैबिनेट का विस्तार होगा, क्योंकि काफ़ी काम ऐसे भी हैं जो पेंडिंग में हैं क्योंकि विभाग बहुत ज़्यादा हो गए हैं मंत्रियों के पास, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कब तक कैबिनेट का आप लोग विस्तार करने जा रहे हैं? देखिए, कैबिनेट का विस्तार ये नेतृत्व का सब्जेक्ट है, कई बार इस तरह की चर्चाएँ होती हैं लेकिन हुआ नहीं। आज फिर चर्चा चल रही है, लोग अपने हिसाब से कयास लगाते हैं लेकिन होगा कि नहीं ये कोई कह नहीं सकता। नेतृत्व जब उपयुक्त समय चाहेगा देखेगा तो उससे विस्तार करेगा। जी सर, निकाय चुनाव को लेकर के भी क्या आगामी रणनीति आप लोग बना रहे हैं? निश्चित तौर पर हमारी तैयारियां चल रही हैं और जैसे निकाय चुनाव सितंबर अक्टूबर में होने की संभावना है, इस बार भी हम थम्पिंग मेजोरिटी के साथ पूरे निकायों को जीतेंगे, इसकी हमारी तैयारी है। सर, मेरा अंतिम सवाल यह है, जिस तरह से आपके प्रदेश पर भारी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार वो बैठकों का दौर भी ले रहे हैं, उत्तराखंड में भी देखे जा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के नदारद दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इसका भी असर पड़ रहा है कि कांग्रेस मजबूत नहीं हो पा रही है? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि कांग्रेस की रीढ़ समाप्त हो चुकी है। उत्तराखंड में कांग्रेस नाम मात्र की पार्टी रह गई है, उनका संगठन पूरी तरह से समाप्ति पर है और इसी का नतीजा आपको दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता भी उत्तराखंड में आने से परहेज कर रहे हैं क्योंकि वह स्थानीय नेताओं से इतने त्रस्त हैं और गुटबाजी इतनी हावी है कि वो यहाँ से आने से बच रहे हैं, किसी भी गुट का नाम अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते, ऐसा मुझे लगता है। तो कांग्रेस उत्तराखंड में धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है और आने वाले समय में और बुरी स्थिति होने वाली है। सर, हाल फिलहाल में तो कांग्रेस चुनाव आयोग भी चली गई थी भाजपा की शिकायत करने के लिए कि पैसे का उपयोग कर रहे हैं धनबल। अब उन पर और कोई चारा है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग में जाएंगे, कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहेंगे, लेकिन धरातल पर जहाँ लड़ाई लड़ी जानी है वहाँ कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। तो आप विधायक जी को सुन रहे थे जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे और चमोली जी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार दोनों विधानसभा सीटों को हम जीतेंगे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल।
उत्तराखंड में दो सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक मैदान में उतर गए हैं और कांग्रेस के भी बड़े नेता और प्रभारी चुनाव मैदान से अभी भी नदारद दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के नेता उत्तराखंड से दूरी बनाए हुए थे और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड पर खासा ध्यान नहीं दिया, जिससे प्रदेश की पांचों सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ये भली भांति जानती है कि उत्तराखंड में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस 2024-14 से ही लगातार ये कहती आई है कि वो चुनाव जीतेगी। 2014 से लेकर 24 तक सभी चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को नकारा है, इसलिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हों या फिर शीर्ष नेता, वो उत्तराखंड से नदारद दिखाई देते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस कोई चुनाव नहीं जीतने जा रही है। 2014 से लगातार हर चुनाव में ये कहते हैं कि कांग्रेस जीतने जा रही है। 14 में आप लोकसभा चुनाव में देखिए 5-0 पे कांग्रेस आउट, उसके बाद 17 में विधानसभा चुनाव से इस प्रदेश की यशस्वी जनता ने उनका आउट किया, फिर 19 के लोकसभा चुनाव में इस प्रदेश की जनता ने उनका आउट किया, 22 के विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस आउट रही और 24 में बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को, लेकिन इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। इस कारण उनकी प्रदेश प्रभारियों अन्य शीर्ष नेतृत्व उनको भली भांति पता है उत्तराखंड में जो है। मंगलोर उपचुनाव में पुलिस और निर्वाचन की टीम की तरफ से चेकिंग के दौरान रोके जाने पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन का पारा चढ़ गया। उन्होंने पुलिसकर्मियों और टीम को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए सरकार के इशारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मंगलोर सीट से ये काजी निजामुद्दीन, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काजी निजामुद्दीन वीडियो के माध्यम से ये बता रहे हैं कि उनको रोका गया और किस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनके साथ हुई। आपको बता दें कि काजी निजामुद्दीन की गाड़ी रोकी गई थी और ऐसे में काजी निजामुद्दीन काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के लोगों पर भी वो भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं और रोड पर ही ये बात बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, जहां पर काजी निजामुद्दीन पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलोर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन, और जब वो जा रहे थे तो पुलिस ने उनके वाहन को रोक लिया। चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई है और ऐसे में जब काजी निजामुद्दीन गाड़ी से उतरे तो वो पुलिस प्रशासन पे बरसना शुरू हो गए। मेरी गाड़ी चेक हो रही है यहाँ पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहता है चुनाव आयोग, इक्वल फेयर, सबको बराबर मौके मिलेंगे। ये मेरी गाड़ियों की पोलिंग वाले दिन क्या हरकत करेंगे, ये पोलिंग वाले दिन क्या हरकत करेंगे, आते जाते मेरे घर कोई गाड़ी। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों को काफ़ी जाम का सामना करना पड़ा, जिसका असर नैनीताल, भीमताल, भवाली समेत उसके कई आसपास के क्षेत्र में देखने को मिला है, लेकिन प्रशासन के पास जाम से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। गर्मी में लगातार बिजली कटौती हुई, जिससे पेयजल की समस्या भी लगातार बनी रही, लेकिन कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। साथ ही उन्होंने आने वाले मानसून सीजन का भी जिक्र किया और रक्सिया नाले पर हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर के भी आरोप लगाए हैं। 3 घंटे जाने में 5 घंटे जो यहाँ के लोग हैं, जो कार्यरत हैं भीमताल, भवाली में, अन्य जगह जो आते जाते हैं प्रतिदिन, उन्हें 8-8 घंटे के जाम में फंसकर अपने कार्यों पे जाना पड़ा, और जो उन्होंने परेशानी झेली है, मेरी सारी सद्भावनाएं उनके साथ। और साथ ही साथ अब देखिए मानसून का सीजन आने वाला है, जो हेड है रकसिया नाले का, जहाँ से शुरुआत होता है, या कलसिया नाले का जो हेड है, जहाँ से शुरुआत होता है, वहाँ कोई कार्य नहीं करा गया आपदा का। जो कार्य करा गया है टेल पे, जहाँ पे कालाडूंगी विधानसभा है,
क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, यहाँ कांग्रेस का विधायक है। लगातार हल्द्वानी के साथ ये सरकार पक्षपात कर रही है। हमारे कोई प्रस्ताव होते हैं अभी तक वो लंबित हैं। 10 करोड़ रुपए के हमने सड़क के प्रस्ताव भेजे अभी तक लंबित हैं। भाजपा के विधायकों के काम धड़ाधड़ हो रहे हैं, ऐसा पक्षपात कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं हो रहा है। इस अन्याय का जवाब आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झेलना पड़ेगा। नैनीताल के तलीताल क्षेत्र में नेपाली मूल के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने कमरे में बेसुध हालत में मिला है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को यहाँ पर लाया गया है। हमने उसका परीक्षण उपरांत ये पाया कि वो मृतक है। उसका नाम शेर बहादुर है। उसके फादर का नाम नहीं पता है। वर्तमान का जो पता पुलिस द्वारा बताया गया वो कृष्णापुर तल्लीताल है। आगे की कार्रवाई कल की जाएगी। अभी उसका सबको हमने मोर्चरी में रखा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए होनबिल टीवी। नमस्कार।